बहराइच में बीती रात फिर से भेड़िए का हमला। भेड़िए ने 8 साल के लड़के पर किया अटैक, लड़के के गर्दन पर पंजा मारकर किया घायल। महसी इलाके के यादवपुरी गांव का मामला। बुलंदशहर पहुंचे वन मंत्री अरुण कुमार का बयान, कहा दो तरीके से काम कर रहा है प्रशासन, भेड़िए से बचाव और भेड़िए को पकड़ो की रणनीति पर हो रहा काम, लोगों से भी एहतियात बरतने की सलाह। बहराइच में एबीपी न्यूज की खबर का बड़ा असर, गांव में रोशनी करने के लिए डीएम ने आवंटित किए 25 लाख रुपए, घरों के बाहर लगाई जा रही है सोलर लाइटें, अंधेरे की वजह से भेड़िए के हमले की आशंका। यूपी के लखीमपुर खीरी में बाघ का आतंक, टाइगर को पकड़ने के लिए पहुंची वन विभाग की टीम, जंगल में चल रहा सर्च ऑपरेशन, बाघ को ट्रैंक्विलाइज कर पकड़ने की योजना। सीतापुर में भी बाघ की दहशत, शिक्षक दिवस के मौके पर बाघ की दहाड़ सुन दहशत में आए बच्चे, शिकायत के बाद मौके पर पहुंची वन विभाग की टीम, तब तक कहीं और चला गया बाघ। हापुड़ में तेंदुए को पकड़ने के लिए पहुंची वाइल्ड लाइफ टीम, ड्रोन कैमरे से की तेंदुए की तलाश, काफी खोजबीन के बाद नहीं लगा तेंदुए का सुराग, टीम को मार्क मिले। देश के कई हिस्सों में बाढ़ और बारिश से हाल बेहाल है, आंध्र प्रदेश के कई इलाकों में बाढ़ का कहर, विजयवाड़ा में जल भराव से नुकसान, कृष्णा बैराज क्षतिग्रस्त। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आंध्र प्रदेश के बाढ़ प्रभावित क्षेत्र का किया हवाई सर्वेक्षण, कृष्णा बैराज को नुकसान का जायजा लिया, बाढ़ प्रभावित रिहायशी इलाकों का भी दौरा। बाढ़ प्रभावित क्षेत्र का निरीक्षण के दौरान बाल बाल बचे, आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू, एकदम पास से गुजर गई ट्रेन, करीब 2 फीट ही ट्रेन से दूर थे सीएम नायडू। राजस्थान में करीब 36 घंटे से आफत की बारिश, बारिश के पानी से बूंदी के 3 गांव डूबे, घरों में पानी घुसने से ग्रामीणों को नुकसान। राजस्थान के भीलवाड़ा में बारिश के पानी का सड़कों पर कब्जा, नदियों में बड़ा जलस्तर, वाहन चालक और राहगीर है परेशान। सिरोही में नदी के तेज बहाव में फंसे युवक को स्थानीय लोगों ने बचाया, जान हथेली पर लेकर नदी पार करने को मजबूर लोग, स्थानीय लोगों की फिर पुल बनाने की मांग। राजस्थान के भीलवाड़ा में बारिश के चलते ओवरफ्लो हुआ नागदी डैम, निचले इलाकों में पहुंचा डैम का पानी, प्रशासन ने लोगों से डैम से दूर रहने की अपील की। गुजरात के मेहसाड़ा में जोरदार बारिश, सड़कें नदियों में हुई तब्दील, सड़कों पर कमर तक भरा पानी, आवाजाही प्रभावित, जगह जगह लोग फंसे। गुजरात के मेहसाणा में बारिश से हाल बेहाल है, कावेरी स्कूल में भरा पानी, दीवार के जरिए चलाना पड़ा रेस्क्यू ऑपरेशन। गुजरात के बनासकांठा में बारिश का प्रकोप जारी, लगातार हो रही है बारिश, सड़कों पर पानी भरा, शहर के कई इलाके जलमग्न। राजस्थान के सिरोही में बारिश से हाल बेहाल, बिस्तर पर लेटे शख्स का पानी में बहने का वीडियो वायरल, सिरोही के पास जेल चौराहे के पास की घटना बताई जा रही है। मध्य प्रदेश की कटनी में 3 घंटे की बारिश ने बिगाड़े हालात, स्कूल में घुसा पानी, सड़कें दरिया बन गई, जनजीवन अस्त व्यस्त। सिंगापुर और ब्रुनेई के दौरे से वापस लौटे प्रधानमंत्री मोदी, सिंगापुर बिजनेस लीडर्स समिट में निवेश का न्योता दिया, कहा मेरी सरकार की नीतियों पर लोगों का विश्वास। सिंगापुर में बड़ी कंपनियों के सीईओ से मिले पीएम मोदी, भारत में निवेश को लेकर जताई प्रतिबद्धता, मीटिंग में पहुंचे सिंगापुर एयरवेज, ब्लैकस्टोन सिंगापुर सहित कई कंपनियों के अधिकारी। विदेश मंत्रालय के सचिव जयदीप मजूमदार ने कहा कि पीएम मोदी ने सिंगापुर में इन्वेस्ट इंडिया का ऑफिस खोलने का ऐलान किया है, भारत में निवेश करने वालों को इससे मदद मिलेगी। वक्त संशोधन बिल पर आज भी जेपीसी की बैठक, आज एएसआई के अधिकारी संयुक्त कमेटी के सामने हो सकते हैं पेश, वक्त के साथ विवादित मामलों की दे सकते हैं जानकारी। महाराष्ट्र के सांगली में राहुल गांधी ने पूछा प्रधानमंत्री जी ने किस वजह से माफी मांगी, उन्हें केवल शिवाजी महाराज से ही नहीं बल्कि महाराष्ट्र के हर व्यक्ति से माफी मांगनी चाहिए। महाराष्ट्र के मंत्री छगन भुजबल ने कहा एमबीए में सीएम फेस का सवाल नहीं उठता, राज्य में नहीं बनेगी महाविकास अघाड़ी की सरकार। शिवसेना नेता संजय निरुपम का दावा महाविकास अघाड़ी में कई मुद्दों पर विवाद चल रहा है, हो सकता है जल्द ही यह गठबंधन टूट जाए। लाडली बहना योजना के लाभार्थियों से मिलेंगे शिवसेना नेता संजय निरुपम ने कहा 70 से 80 विधानसभा सीट कवर करने की तैयारी। छत्रपति शिवाजी की प्रतिमा ढहने के मामले में मूर्तिकार जयदीप आप्टे की गिरफ्तारी, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने कहा कोई भी कानून से ऊपर नहीं।
केंद्रीय मंत्री अमित शाह का जम्मू कश्मीर दौरा, विधानसभा चुनाव के लिए जारी करेंगे बीजेपी का घोषणा पत्र, जम्मू में आरएसएस नेताओं के साथ करेंगे बैठक। बीजेपी नेता निर्मल सिंह ने कहा, हमेशा पार्टी की प्राथमिकता में शामिल हो रहा है जम्मू कश्मीर, हम घोषणा पत्र में ये भी बताएंगे कि रोजगार के लिए क्या है हमारी योजना। जम्मू कश्मीर के बीजेपी प्रभारी तरुण चुग का राहुल पर निशाना, कहा इटली का चश्मा लगाकर पर्यटक की तरह राज्य में आते हैं राहुल गांधी। जम्मू कश्मीर बीजेपी अध्यक्ष रविंद्र रैना का दावा, राज्य में बीजेपी की जबरदस्त लहर है, कहा प्रचंड बहुमत से बीजेपी बनाएगी सरकार। दो सीट से विधानसभा चुनाव लड़ने पर बोले उमर अब्दुल्ला, ये कमजोरी नहीं नेशनल कॉन्फ्रेंस की ताकत का सबूत, सरकार बनते ही करप्शन के आरोपी की जांच करवाएगी। पीडीपी ने जारी किया घोषणा पत्र, अनुच्छेद 370 अनुच्छेद 35 से और राज्य का दर्जा बहाल करने का वादा, सज्जाद लोन ने कहा सरकारी नौकरियों से कश्मीरियों की ब्लैकलिस्टिंग खत्म करेंगे। टिकट कटने से नाराज हरियाणा के कैबिनेट मंत्री चौधरी रणजीत सिंह चौटाला का इस्तीफा, कहा भले ही निर्दलीय या किसी दूसरी पार्टी से चुनाव लड़ूं लेकिन रानिया से ही लड़ूंगा। टिकट नहीं मिलने से नाराज करण देव कंबोज ने छोड़ा हरियाणा बीजेपी ओबीसी मोर्चा के अध्यक्ष का पद, कंबोज को मनाने पहुंचे नायब सिंह सैनी, इस्तीफे के बाद कंबोज ने कहा तीसरी बार सत्ता में नहीं आ रही बीजेपी। बुधवार को प्रत्याशियों की लिस्ट आने के बाद से बीजेपी में जारी इस्तीफे की बगावत, देश की सब चौधरी अमीर महिला सावित्री जिंदल का हिसार से निर्दलीय लड़ने का ऐलान। हरियाणा बीजेपी के नेताओं में इस्तीफे की होड़, सीएम नायब सिंह सैनी बोले समझाएंगे, केंद्रीय नेतृत्व ने बहुत विचार के बाद जारी की है प्रत्याशियों की लिस्ट। पूर्व मंत्री और बीजेपी नेता अनिल विज ने कहा नाराज नेताओं को मना लिया जाएगा, परिवारवाद के आरोपों पर कहा जिन नेताओं के बच्चे राजनीति में एक्टिव उन्हें टिकट देने में गुरेज नहीं। विधायकों के टिकट कटने पर बोले बीजेपी प्रभारी विप्लव देव, समीकरण के हिसाब से हुआ है बदलाव, माना टिकट कटने से नाराजगी बन सकती है हार की वजह। प्रत्याशियों की लिस्ट आने के बाद हरियाणा बीजेपी से इस्तीफे का दौर जारी, रेवाड़ी में बीजेपी के वरिष्ठ नेता ने छोड़ी पार्टी और सभी पद, सतीश कोला ने निर्दलीय लड़ने का ऐलान किया। केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह के खास माने जाने वाले प्रशांत यादव का पार्टी से इस्तीफा, कहा सर्वे और पैनल में नाम आगे होने के बावजूद बीजेपी ने पैराशूट से उतारा कैंडिडेट। कांग्रेस सांसद कुमारी सैलजा का बीजेपी पर तीखा हमला, 10 साल सत्ता में रहने वाली बीजेपी के बड़े नेता नदारद, बंजर जमीन की तरह बीजेपी को छोड़ रहे हैं लोग, पूछा सीएम सैनी ने अपनी सीट क्यों बदली। कांग्रेस नेता दीपेंद्र हुड्डा का दावा, हरियाणा के लोगों ने राज्य और केंद्र में कांग्रेस सरकार बनाने का फैसला ले लिया है, बीजेपी के बड़े नेताओं से कार्यकर्ता तक भी जानते हैं कि राज्य में अब बीजेपी का भविष्य नहीं है। हरियाणा कांग्रेस के नेता सतीश बंसल का बीजेपी पर निशाना, कहा हमारे प्रत्याशी फाइनल लिस्ट आने के बाद जिस तरीके से नेता छोड़ रहे बीजेपी उससे देखकर लग रहा है कि बीजेपी ने हार मान ली। हरियाणा पर कांग्रेस की पहली सूची का इंतजार बढ़ा, आज शाम 6 बजे होगी सीईसी की बैठक, केंद्रीय चुनाव समिति की पहली बैठक से पहले होगी सब कमेटी की मीटिंग। आम आदमी पार्टी से गठबंधन को लेकर टीएस सिंहदेव का बयान, अलायंस नहीं हुआ तो खराब नहीं होंगे रिश्ते, हम पंजाब में अलग अलग चुनाव लड़े लेकिन संबंध नहीं टूटे। दिल्ली हरियाणा विधानसभा चुनाव के प्रत्याशियों के नाम पर कांग्रेस का मंथन, बैठक से निकलने के बाद कुमारी सैलजा ने कहा राज्य के सांसदों से सभी 90 सीट पर राय ली गई है। कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला का बयान, प्रत्याशियों के चयन को लेकर स्क्रीनिंग कमेटी और स्पेशल कमेटी कर रही काम, हमने उनको पूरी जानकारी दी। जेजेपी नेता दुष्यंत चौटाला ने बीजेपी कांग्रेस को घेरा, कहा बीजेपी वाले हमें तोड़ रहे थे लेकिन 24 घंटे में रुझान आने शुरू हो गए हैं, लिस्ट आते ही कांग्रेस का और बुरा हाल। विनेश फोगाट कांग्रेस में होगी शामिल, कांग्रेस नेता दीपेंद्र हुड्डा ने विधानसभा चुनाव में विनेश की दावेदारी पर कहा सारे सवालों का जवाब जल्द मिलेगा। बीजेपी नेता ब्रजभूषण शरण सिंह ने कहा कि कांग्रेस ने मेरे खिलाफ साजिश रचकर मुझे बदनाम किया, अब यही बात पूरा देश कह रहा है। यूपी महिला आयोग का उपाध्यक्ष बनाए जाने के बाद मुलायम की बहू अपर्णा की नाराज होने की खबरें, गुरुवार को दिल्ली पहुंची बीजेपी के शीर्ष नेताओं से कर सकती है मुलाकात।
अपर्णा की नाराजगी की खबरों पर बोले यूपी के मंत्री बेबी राणे मौर्य, मेरी उनसे बात नहीं हुई, लेकिन वो बीजेपी में क्यों आई थी और क्यों जा रही है ये वो ही बता सकती है। अपर्णा के मामले पर यूपी के मंत्री जयवीर सिंह ने कहा, बीजेपी लोकतांत्रिक पार्टी, अगर उन्हें लगता है कि सम्मान नहीं मिला तो शीर्ष नेतृत्व के सामने बात रख सकती है। अखिलेश ने एनकाउंटर पर उठाए सवाल, एक्स पोस्ट करके कहा, दो दिन पहले जिसको उठाया उसका एनकाउंटर के नाम पर हत्या की गई, अब उसकी मेडिकल रिपोर्ट बदलवाने का दबाव है, सर्वोच्च न्यायालय तुरंत संज्ञान ले। एसपी प्रवक्ता ने पूछा, क्यों अन्य को पैर में गोली लगी और यादव को मारा, लखनऊ की घटना में सभी जाति के थे आरोपी, लेकिन सदन में यादव का ही नाम क्यों लिया। यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का बयान, हर हाल में लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना हमारी प्रतिबद्धता है, अपराधियों को प्रमोट करने का काम करती है समाजवादी पार्टी। यूपी के कैबिनेट मंत्री राकेश चचान ने कहा, कोई जाति धर्म नहीं देखा जा रहा है यूपी में, कानून का राज, माफिया या तो जेल में है या फिर भागे। यूपी में बुलडोजर एक्शन पर सियासत, बीजेपी विधायक सिद्धार्थनाथ सिंह का एसपी मुखिया पर पलटवार, कहा अखिलेश यादव हिंदू विरोधी है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा का आज बिहार दौरा, पटना में आपके अस्पताल का करेंगे उद्घाटन, भागलपुर का भी करेंगे दौरा। बिहार के डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने आरजेडी को बताया असुरों की पार्टी, कहा आरजेडी अराजकता, भय और समाज के अंदर पैदा करती है उन्माद। बिहार की बाढ़ विधानसभा सीट पर जेडीयू एमएलसी संजय सिंह ने ठोका दावा, कहा यहीं से लड़ूंगा विधानसभा चुनाव, अभी बीजेपी का है कब्जा। झारखंड कैबिनेट की बैठक आज, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में रांची में होगी मीटिंग, लिए जाएंगे कई अहम फैसले। डिब्रुगढ़ में असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा ने इस्कॉन मंदिर की रखी आधारशिला, ऑनलाइन ट्रेडिंग घोटाले पर कहा जल्द होगा मामले का पर्दाफाश। लेडी डॉक्टर के पिता का गंभीर आरोप, कहा लड़की का शव घर आने के बाद पैसे देना चाहते थे डीसी नॉट, जवाब देने के लिए दिया गया समय। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस का बयान, कहा महिला डॉक्टर के परिजनों ने कुछ ऐसी बातें बताई जो दिल दहला देने वाली हैं, राज्यपाल ने गृहमंत्री के सामने मुद्दा रखा है। पश्चिम बंगाल विधानसभा में विपक्ष के नेता सुवेंदु अधिकारी बोले, बलात्कारियों को भले मिलेगी सजा मगर उन्हें संरक्षण देने वालों का क्या होगा, ममता सरकार को देना होगा जवाब। आरजीकर कॉलेज के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष की याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी, घोष ने कहा कलकत्ता हाई कोर्ट ने भ्रष्टाचार की जांच सीबीआई को सौंपने से पहले उनका पक्ष नहीं सुना। कोलकाता की महिला डॉक्टर के रेप मर्डर केस में आरोपी संजय रॉय की आज कोर्ट में पेशी, सियालदह कोर्ट ने आरोपी संजय रॉय को 14 दिन की जुडिशियल कस्टडी में भेजा था। अब विधायक अमानतुल्ला खान की आज होगी कोर्ट में पेशी, 4 दिनों की ईडी रिमांड में भेजे गए थे अमानतुल्ला। विधायक अमानतुल्ला खान की गिरफ्तारी के खिलाफ आज आम आदमी पार्टी कार्यकर्ताओं का धरना प्रदर्शन, दोपहर 12 बजे बीजेपी दफ्तर का घेराव करेगी आम आदमी पार्टी। उज्जैन में महिला से दरिंदगी का मामला वायरल, वीडियो पर पुलिस ने कार्रवाई की, पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार, महिला को शराब पिलाकर रेप किया गया। बिहार के नालंदा में सरकारी स्कूल में छात्रा से छेड़खानी के बाद बवाल मचा, मंचले ने स्कूल में घुसकर छात्रा से छेड़खानी की, पथराव में कई गाड़ियां टूटी, पुलिस ने मंचले को हिरासत में लिया। यूपी के बिजनौर में लड़की के साथ छेड़छाड़ को लेकर हंगामा, हिंदू संगठन के लोगों ने सड़क पर लगाया जाम, सभी आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग पहले ही हो चुकी है मुख्य आरोपी की गिरफ्तारी। मुरादाबाद के मझोला थाना क्षेत्र में बजरंग दल कार्यकर्ताओं का हंगामा, अमरोहा के रहने वाले युवक को पकड़कर पुलिस के हवाले किया, धर्म छिपाकर शादीशुदा महिला के साथ यौन उत्पीड़न का आरोप। बेंगलुरु पुलिस ने ऑटो चालक को हिरासत में लिया, 3 सितंबर को महिला यात्री के साथ की थी बदसलूकी, महिला को थप्पड़ मारने का आरोप। हरियाणा के सोनीपत में दिन दहाड़े पटवारी का अपहरण, कार सवार बदमाशों ने दिया वारदात को अंजाम, फिरौती के 19 लाख रुपए लेकर पटवारी को छोड़ गए बदमाश। मध्य प्रदेश के जबलपुर में छात्राओं को अश्लील वीडियो भेजने का मामला, एबीवीपी से जुड़े छात्रों ने किया कॉलेज में हंगामा, साइबर ठगों ने छात्राओं को किया ब्लैकमेल, छात्र कर रहे कार्रवाई की मांग। मुजफ्फरपुर में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी के नाम से ठगी की कोशिश, साइबर ठगों ने सोशल मीडिया पर बनाया फर्जी चैनल, छात्र छात्राओं से फर्जीवाड़े की कोशिश।
कोलकाता में विश्व भारती विश्वविद्यालय की छात्रा ने किया सुसाइड। वाराणसी की रहने वाली थी छात्रा, हॉस्टल के कमरे में खाया जहर। अमृतसर में डकैती की बड़ी वारदात सामने आई है। कोल्ड स्टोर से 2 करोड़ रुपए के ड्राई फ्रूट्स चुरा कर ले गए चोर। मामले की छानबीन में पुलिस जुटी है, अभी तक नहीं लग पाया चोरों का सुराग। कानपुर में फ्लाईओवर से नीचे गिरा ट्रक, झांसी रेल ट्रैक पर ट्रक गिरा, हादसे में ट्रक ड्राइवर की मौत, घंटों तक बाधित रहा रेल यातायात। लखनऊ में यूट्यूबर अल्वेश यादव से ईडी के अफसरों ने की लंबी पूछताछ। तकरीबन 8 घंटे तक पूछताछ हुई। रेप पार्टी से लेकर तमाम संपत्तियां, लग्जरी गाड़ियों और बैंक खातों की जानकारी ली गई। जयपुर से इंदौर आ रही इंडिगो की फ्लाइट में यात्रियों का हंगामा। फ्लाइट में टपकने लगा था पानी। हादसे की आशंका को लेकर प्लेन में बैठे यात्रियों ने बवाल किया। अल्मोड़ा जेल में बंद अंडरवर्ल्ड डॉन प्रकाश पांडे पंच दशनाम जूना अखाड़ा में शामिल हो गया है। साधु संतों की मौजूदगी में उत्तराधिकारी बनाया गया। अब प्रकाशानंद गिरी नाम से जाने जाएंगे प्रकाश पांडे। मुंबई में शुरू हुई गणेश उत्सव की तैयारियां। गुरुवार को दिखाई गई लालबाग के राजा की पहली झलक। 16 करोड़ रुपए के मुकुट की झलक सबसे ज्यादा आकर्षण का केंद्र। पेरिस पैरालंपिक में भारत का अब तक का सफर रहा शानदार। भारतीय खिलाड़ियों ने 5 गोल्ड, 9 सिल्वर और 11 ब्रॉन्ज मेडल पर कब्जा किया। भारत की झोली में आए 25 मेडल। पैरालंपिक में गुरुवार को भारत की झोली में आया एक और मेडल। जूडो खिलाड़ी कपिल परमार ने मेंस 60 किलो J1 कैटेगरी में जीता ब्रॉन्ज मेडल। पीएम नरेंद्र मोदी ने कपिल परमार को दी बधाई। पैरालंपिक में जूडो में पदक जीतने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी बनने पर शुभकामनाएं दी। पीएम ने कहा कपिल के आगे के प्रयासों के लिए उनको बधाई।